दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इवेंट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे आप इवेंट मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए रह सकते हैं 12th के बाद, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कोर्सेज को करने के बाद जॉब्स कहाँ लग सकती है, कितने पैसे आप इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज को करके या फिर इवेंट मैनेजमेंट की फील्ड में कमा सकते हैं, आज की इस वीडियो में इन सारी बातों पर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं हम एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी इवेंट को मैनेज करना। देखिए आज की डेट में हमारे शहरों में रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई शादी हो रही है या फिर कोई ना कोई फंक्शन चल रहा है, चाहे हमारे घर का कोई फंक्शन वगैरह हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट फंक्शन हो, ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट जो है हो रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके इवेंट बड़ा है, मान लीजिए किसी के घर में शादी है, अब उसने क्या किया, उसने इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है उनको कांटेक्ट किया। अब उसने बताया कि जो उसका शादी का बजट है वो 25 लाख रुपए का है, तो ऐसे में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले उसको कोटेशंस वगैरह दे देंगे, डिजाइंस वगैरह दे देंगे, जगह वगैरह बता देंगे कि ये जगह ऑप्शंस आपको 25 लाख रुपए में मिल जाएंगे, इस तरीके का डिजाइन, इस तरीके का खाना, सारी चीजें इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। इवन आपका डेकोरेशन आ गया, आपका केटरिंग आ गया, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें जो एक इवेंट में लगती है वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर। तो ऐसे में जिसके घर में शादी है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज की जिम्मेदारी है कि वो उस इवेंट को ढंग से मैनेज करे। तो ऐसे में आज की डेट में आपको पता है रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन पार्टीज होती रहती है, तो इवेंट मैनेजमेंट की जो डिमांड है आज की डेट में बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अगर आप अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे मौके हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है आप इसमें कर सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि सैलरी पर्सपेक्टिव या फिर आप कितना इसमें कमा सकते हैं। तो कोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें डिप्लोमा कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, 6 मंथ्स के डिप्लोमा होते हैं इवेंट मैनेजमेंट के। इसके अलावा आपको डिग्रीज मिल जाएगी, सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे करने को। तो ऐसे में आपके पास तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। जिस भी आप शहर में रहते हैं वहाँ पे आप सर्च करें गूगल पे, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी इसमें ऐसा सच कोई नहीं है कि आपको 12th जो है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से पास आउट होनी चाहिए। आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया हो आप इस कोर्सेज को कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ इवेंट मैनेजमेंट में MBA तक भी होता है। तो अब आप सोच सकते हैं जो फील्ड है वो काफी पॉपुलर है लोगों में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सैलरी पर्सपेक्टिव क्या रह सकता है, कितना आप अर्न कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज या डिग्रीज वगैरह को करके। तो इनिशियल लेवल पे जो आपकी सैलरी हो सकती है वो 15 से 35 हज़ार के बीच में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसके अलावा आपके इंटरव्यू पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। और रही बात कि दोस्तों क्या आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं इन कोर्सेज डिग्री सर्टिफिकेट्स को करने के बाद, तो बिल्कुल आप अपना बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट की, आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पहले आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, और आने वाले समय में अगर आप अपनी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। और जहाँ तक रही बात दोस्तों प्रॉफिट की, तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको खुद की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती। मान लीजिए आपने अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया 20 लाख की शादी का, तो ऐसे में जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो आपको 50% अमाउंट जो है पहले ही दे देगा कॉन्ट्रैक्ट के समय, और बाकी का 50% अमाउंट जो है वो आपको बाद में मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा एक करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है 12th के बाद अगर आप इस करियर ऑप्शन में जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया डिमांड जो है इसकी कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि शादियां होना बंद नहीं होगी, पार्टीज होना बंद नहीं होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहेगी। तो ऐसे में एक अच्छा करियर आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। आई होप जो हमारी कोशिश थी आपको कुछ नया बताने की समझाने की वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। तो उन वीडियोस को जाके भी एक बार नीचे चेक कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, साथ ही आपको ऊपर आई बटन पे भी उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो आप वहां जाके उन वीडियोस को चेक जरूर करें, आपकी हेल्प जरूर होगी।
इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनकी भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।